नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव में जो नामांकन का दौर है, अब दूसरे तीसरे चरण का नामांकन चल रहा है। 20 तारीख को तीसरा चरण का नामांकन यानी कि आखिरी चरण का नामांकन का दौर खत्म हो जाएगा। लेकिन इस नामांकन के दौर में बिहार की राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर आपको नामांकन भरते दिखाई देंगे। कल हसनपुर सीट से जहां तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की उपस्थिति में नामांकन भरा, वहीं आज विपक्ष से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से अपने बड़े भाई तेज प्रताप की उपस्थिति में नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन भरने से पहले तेजस्वी यादव ने अपनी माँ राबड़ी देवी और बड़े भाई तेज प्रताप यादव का आशीर्वाद भी लिया और नामांकन भरने से निकलने से पहले उन्होंने एक प्रेसवार्ता की थी। उस प्रेसवार्ता में उन्होंने बताया और अपने उस बात को दोहराया जिस पर लगातार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। मुद्दा है रोजगार का। जी हाँ, उन्होंने एक बार कहा था, एक वादा किया था बिहार की जनता से कि अगर राजद की सरकार बनेगी तो सबसे पहला जो दस्तखत होगा कैबिनेट मीटिंग का, वो बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार देने का होगा, स्थायी रोजगार, सरकारी रोजगार देने का होगा। और उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया है कि अगर राजद की महागठबंधन की सरकार बनती है तो 10 लाख लोगों को सबसे पहले नौकरी देने का वो काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने जो शिक्षक हैं, जो समान काम समान वेतन को लेकर जो हमेशा नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, उसे भी उस मुद्दे को भी छीनने की कोशिश की है और उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है। नामांकन भरने से पहले उन्होंने उन शिक्षकों की भी बात की है जो नियोजित शिक्षक हैं और समान काम समान वेतन को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनके लिए भी उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो समान काम समान वेतन का जो मुद्दा है उसे हल ज़रूर करेगी। अब हम बात करेंगे राघोपुर सीट की। राघोपुर सीट पर 2015 में जब महागठबंधन बनी थी तो राजद से तेजस्वी यादव ने यहां से नामांकन किया था और लगभग 23,000 वोटों से वो जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। राघोपुर सीट राजद की पारंपरिक सीटों में से एक है। 1995 में जनता दल के टिकट पर लालू प्रसाद यादव यहाँ से चुन कर गए थे। फिर 2000 में यहाँ से वो चुने और बाद में यहाँ पर 2005 में राबड़ी देवी चुनी गई, लेकिन 2010 में राबड़ी देवी यहाँ से चुनाव हार जाती हैं क्योंकि उस समय एनडीए का जो लहर था, जेडीयू और बीजेपी के लहर में राजद को पूरे बिहार में मात्र 22 सीटें आती हैं और उसमें वो अपने पारंपरिक राघोपुर सीट को भी हार जाती है। लेकिन जब 2015 में महागठबंधन बनता है जदयू और राजद का, तो उसमें तेजस्वी यादव फिर से अपने इस सीट पर कब्जा करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार कौन जीतेगा, क्योंकि फिर से एनडीए यानी जदयू और बीजेपी साथ आ चुके हैं। 2017 में महागठबंधन छोड़ के जदयू के नेता नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, लोकसभा चुनाव में लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था महागठबंधन को। लेकिन इस बार जब चुनाव होगा 2020 विधानसभा चुनाव, तो उसमें राघोपुर सीट से क्या होगा। अगर बात करें विपक्ष की यानी विरोधी की, तेजस्वी यादव के सामने बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है सतीश कुमार यादव को। पिछले बार भी उम्मीदवार बनाया था, लगभग 23,000 वोट से आ रहे थे। इस बार फिर वो राघोपुर सीट से दावेदारी बीजेपी की तरफ से दे रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस बार मुकाबला कितना कड़ा होता है। लेकिन जिस तरह से पिछले मुकाबले में तेजस्वी यादव ने सतीश यादव को हराया था, इससे कहना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, तो कहना ज़्यादा आसान है कि पलरा यहाँ पर तेजस्वी यादव का ही भारी लग रहा है। हालांकि जब परिणाम आएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से कौन बाजी मार रहा है। फिलहाल के खबर में इतना ही। लगातार खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।